हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में हम 2014 में आए हुए सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आधे आधे नंबर के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है जल विभव क्या है। तो जल विभव, शुद्ध जल में जल अणुओं की ऊर्जा व किसी विलयन अर्थात किसी विलयन में जल अथवा पादप कोशिका या उत्तक में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को ही जल विभव कहते हैं। तो जल विभव को ग्रीक चिन्ह PSI या फिर साई द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह है जल विभव। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि है क्रिसार्ड को परिभाषित कीजिए। क्रिसार्ड क्या होता है? तो होलार्ड में से जितने जल की मात्रा पादपों को उपलब्ध होती है उसे क्रिसार्ड कहते हैं। अर्थात होलार्ड से पादपों द्वारा अवशोषित जो जल की मात्रा होती है उसे हम क्रिसार्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीमाकारी कारक का नियम बताइए। सीमाकारी कारक क्या होता है? तो सीमाकारी जो कारक होता है, ब्लेकमैन के अनुसार उस सीमा तक न्यून मात्रा में पाए जाने वाला कारक जिसके बढ़ने पर क्रिया की दर समान रूप से बढ़े उसे सीमाकारी कारक कहते हैं। अर्थात ऐसा कारक जिसकी यदि हम मात्रा बढ़ा दें तो क्रिया की दर भी समान रूप से बढ़ना चाहिए, उसे ही हम सीमाकारी कारक कहते हैं। जब कोई कार्यिक अभिक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है तब यह क्रिया उस कारक द्वारा नियंत्रित रहती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। यदि किसी अभिक्रिया में अनेक कारक हैं तो यह अनेक कारकों से प्रभावित होती है और यह क्रिया उस कारक के द्वारा नियंत्रित रहती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है और उसे ही सीमाकारी कारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम क्या होता है इसे लिखना है। तो इसका उत्तर है पार्क एवं बिगिंस ने, ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हरित लवक की ग्रेनम डिस्क की यूनिट मेम्ब्रेन इकाई झिल्ली से कुछ संरचनाओं को पृथक किया और उन्हें क्वांटासोम की संख्या दी। ये जो पार्क एंड बिगिंस थे, इन्होंने हरित लवक के जो ग्रेनम है उसकी यूनिट मेम्ब्रेन होती है उसमें से कुछ संरचनाओं को पृथक किया जिसे इन्होंने क्वांटासोम की संख्या दे दी। एक क्वांटासोम में वर्णक पी फर्स्ट और दूसरा वर्णक पी सेकंड होता है। पी फर्स्ट के एक या दो अणु ही होते हैं जबकि पी सेकंड के लगभग 230 अणु तथा कुछ अन्य वर्णक भी उपस्थित होते हैं। पी फर्स्ट को हम पी 700 भी कहते हैं और पी सेकंड को पी 680 से पी 690 भी कहते हैं। जो वर्णक पी सेकंड के अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उसे पी 700 में बदल देते हैं अर्थात पी फर्स्ट में बदल देते हैं जो कि अभिक्रिया के केंद्र हैं। इन अभिक्रिया के केंद्र में स्थानांतरित कर देते हैं, इसी कारण पी 700 उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। यदि हम इसका आंसर लिखे तो हम इसका आंसर यहाँ तक ले सकते हैं कि क्वांटासोम की संख्या दी, लेकिन हम इसका अधिक आंसर लिखने के लिए इसमें वर्णकों की संख्या और वर्णकों के नाम भी बता देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम व उत्प्रेरक में अंतर बताइए। हमें एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर बताना है और चूँकि ये आधे नंबर का प्रश्न है तो हम इसमें एक एक अंतर ही लिखेंगे। तो इसका उत्तर है उत्प्रेरक सूक्ष्म अकार्बनिक अणु या आयन होते हैं जबकि एंजाइम जटिल प्रोटीन अणु होते हैं जो त्रिविम संरचना प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक सूक्ष्म अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक नहीं होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर आयन भी हो सकते हैं, जबकि जो
एंजाइम होते हैं, ये जटिल प्रोटीन अणु होते हैं। तो और हम इसका उत्तर दो अंतर लिखकर भी लिख सकते हैं। तो दूसरा अंतर इस प्रकार है कि उत्प्रेरक अनेक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं, जबकि एंजाइम विशिष्ट क्रियाधार पर ही सक्रिय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद क्या हैं? जो ग्लाइकोलाइसिस जो अभिक्रिया होती है, इसके उत्पाद क्या हैं, हमें यह लिखना है। तो इसका उत्पाद है पाइरुविक अम्ल, इसके दो अणु प्राप्त होते हैं, 4 ATP प्राप्त होते हैं, तथा NADH के दो अणु प्राप्त होते हैं जो कि ATS में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा ऑक्सीकरण की खोज किसने की? तो बीटा ऑक्सीकरण की खोज किसने की थी? नूप ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संतृप्त वसीय अम्लों के नाम लिखिए। संतृप्त वसीय अम्लों के नाम लिखना है, जिसमें से पहला हम लिख सकते हैं स्टेरिक अम्ल और दूसरा ब्यूटायरिक अम्ल लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंतीकरण का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बसंतीकरण से पौधों में कृषि संबंधित कई उपयोगी परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं, अर्थात इसकी सहायता से पौधों में कायिक काल को कम कर इसे समय पूर्व ही पुष्पन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी समय से पूर्व ही पुष्पों के निर्माण के लिए बसंतीकरण की क्रिया की जाती है, और ये बसंतीकरण की क्रिया बीज बोने से पहले की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि एवं परिवर्धन में अंतर लिखिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें अंतर लिखना है। तो पहले हम वृद्धि की परिभाषा लिखेंगे और फिर परिवर्धन की परिभाषा लिखेंगे। तो वृद्धि, ऐसे जीव प्रक्रिया जिसमें कोशिका अंग अथवा जीव के द्रव्यमान, भार अथवा आयतन में अनुत्क्रमणीय बढ़त होती है, वृद्धि कहलाती है। जबकि परिवर्धन जो होता है, परिवर्धन एक सुनिश्चित क्रम में होने वाली वह प्रक्रिया है जिससे सजीव अथवा अंग सामान्यतः अधिक जटिल प्रवस्था की ओर अग्रसर होता है। परिवर्धन में विभेदन आवश्यक होता है, जबकि वृद्धि में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है। ये एक क्रम से चलते हैं। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न जो कि 2014 के प्रश्न पत्र में आए थे, और यह 2021 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका और भी अच्छा सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू।